हाय फ्रेंड, मोस्ट वेलकम है आपका है ना डीएस ट्रेडिंग चैनल में। आज है ना हम लोग है ना एक बहुत अच्छे से ना मतलब है ना कुछ मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दो ऐसे शेयर्स आपके साथ है ना एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो शेयर्स है ना वाकई में ना बहुत अच्छा सा इन फ्यूचर में मार्केट में पैसे बना सकता है। तो अब इसकी ना शुरुआत अगर देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं क्रूड ऑयल पे। अभी क्रूड ऑयल में जैसे कि ना ये देखो अभी ना आज का भी देखा जाए तो ये $83 है ना फिलहाल लेना प्राइस चल रहा है। कंटिन्यूअसली प्राइस देखोगे आप तो है ना फिलहाल प्राइस है ना मूवमेंट है ना ऊपर साइड ही क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। तो अभी हमको क्या लग रहा है कि यहाँ पर है ना कि कैसा होगा, क्या प्रॉफिट होगा? देखिए अगर है ना मान लो कि अगर जैसे भी अगर है ना ये क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है, इसके साथ क्या होता है कि है ना पहले ना कोई भी कंपनियां है वो क्या करती है पहले क्रूड ऑयल्स खरीदती है फिर उस क्रूड ऑयल पे काम करती है। तो अगर मान लो कि कोई ऐसी कोई अभी कोई है ना छोटी कंपनी है फिर मान लो कि कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो इन दोनों को है ना क्या है प्रॉब्लम सेम है। आपको दोनों को है ना सेम प्राइस में खरीदना होता है और फिर उसे उसके बाद है ना सेल करना होता है। अब उसके अंदर है ना एडिट करके जो भी मतलब वो अच्छे से ना रॉ मटेरियल्स को अच्छे से क्लियर करने के बाद। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे चीजें महंगी होती हैं मार्केट में तो वैसे वैसे ना प्राइस का भी कॉम्पिटिशन तो ना चलते रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइस होती है तो भी उसको मैनेज करने के लिए अभी ना हमें कंपनी को अपना भाव कम करना पड़ता है और जैसे ही पता है कि क्रूड का भाव बढ़ा यानी कि ना कंपनियों की प्राइस कम हो गए। अब हमको क्या लगता है कि कंपनियों की प्राइस कम होने से हमारा क्या प्रॉफिट है? नाउ भी हम लोग आ जाते हैं कि अभी हमारा फिलहाल क्या प्रॉफिट है यहाँ पर। अगर मैं आप लोगों के साथ अगर है ना एक बहुत अच्छा सा अगर चीज अगर एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर, देखिए जैसे कि अभी ये कोई भी कंपनी है ये देखिए अगर है ना अगर इसे अगर 83 में जो पे करना है वो USD में पे करना है। ओके, ये देख सकते हो USD में ना अमाउंट है ना उसको पे करनी है तो उसके बाद है ना ये क्रूड ऑयल का। तो नाउ अभी हम लोग ऐसी कौन सी दो कंपनियां हैं जिसके कारण ना अगर इनका भाव अगर है ना मान लो बढ़ रहा है क्रूड ऑयल का तो फिर हमारा प्रॉफिट है ना किस में बनेगा? उसके लिए मैं ना सबसे पहले ना आपके पास है ना जो शेयर्स है ना मैं लेकर आने वाला हूँ तो वो शेयर्स है ना मैं सबसे पहले लाऊंगा एशियन पेंट को। एशियन पेंट का अगर देखा जाए तो फिलहाल 1 महीने से ना 6% है ना मतलब डाउन है। अभी नाउ उसके साथ अगर आप देखोगे तो देखो कि अगर है ना मैं अगर एक अच्छे से अगर ना हाइक पे अगर पॉइंट पे अगर बात करूं तो 24 जुलाई से लेकर अब तक के ना देखा जाए तो 10% मार्केट डाउन आ चुका है। अब एशियन पेंट में क्या है कि मान लो कि ना बहुत अच्छा कंपनी का शेयर है और ये कंपनी का शेयर है ना जितना भाव गिरेगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा यानी कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा है। 6 महीने में देख रहे होगे तो देखो है ना किस तरह से ना यहाँ पर मार्केट ने नियर बाय ना कम से कम 26% का ना गेन दे दिया था। तो जहां पर ना 5 महीने के अंदर गेन हो गया और 1 महीने के अंदर थोड़ा सा भी ना निगेटिव पॉइंट्स आ गए तो यानी कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। हर बार मार्केट ऐसे होता है कि ना कहीं ये थोड़ी सी ऐसी गिरती है फिर उसके बाद ना वापस चढ़ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर मुझे 10% का अगर है ना यहाँ पर भी फिलहाल डाउनफॉल है यानी कि इससे क्या होगा मेरा प्रॉफिट यानी कि 10 से जगह 15% मुझे रिटर्न आ सकता है। ओके, तो अभी हम लोग है ना ये एक ना पहली कंपनी होगी जो है ना आप एशियन पेंट ना काफी अच्छा अगर देखा जाए तो उसका जो मार्केट कैप है फिलहाल है ना वो भी अगर है ना 3.5 लाख करोड़ का भी ना मार्केट कैप चल रहा है एंड डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। एंड नाउ भी हम लोग को क्या करना चाहिए एशियन पेंट्स के अंदर, हम लोग ने एक पहला हम लोग के लिए एक शेयर है जिसके अंदर हम लोग अपनी पोजिशन बना सकते हैं। ओके, अभी इसके साथ अभी ना ऐसा कौन सा कंपनी है जो एशियन पेंट के साथ है ना कोई दूसरी भी और भी ना पेंट्स की कंपनियां हैं? तो अगर पहले एशियन पेंट है तो सेकंड नंबर पर है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में भी अगर देखा जाए तो 6 महीने से ना कंपनी अच्छे से पॉजिटिव्स में है और अगर आप है ना अगर 1 महीने का अगर ये चार्ट देखोगे तो 1 महीने में भी ना मार्केट ने कम से कम 5% का रिटर्न दिया है तो नॉट बैड। अगर 1 महीने में 5% का रिटर्न दे रही है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी अगर बर्जर पेंट में भी अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर देखो यहाँ से नोटिस करो तो 1% का मतलब है ना थोड़ा थोड़ा सा ना भाव गिर रहा है थोड़ा सा उठ रहा है। तो भी यहाँ पर है ना आप थोड़ा सा अपना भी है ना यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये जैसे जैसे ना मार्केट के शेयर से ना में ग्रोथ होगी इसमें भी ग्रोथ हो जाएगी यानी कि हमारे पास दो ऐसे शेयर है जिसके अंदर डेफिनेटली पैसा बनेगा। बर्जर देखा जाए ना तो 100 साल की कंपनी है यार कि कम से कम है ना 100 साल तो आराम से मार्केट में चली जाएगी ना। तो ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी कंपनी आती है चली जाती है कहाँ भाई ना पता चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं करके तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कंपनी कब है ना फटाफट है ना इसने अच्छा खासा हाइक मार लिया और है ना आप सोचते रहे यार मेरे को अगर पहले पता होता तो अच्छा रहता था। नाउ आई एम ना शेयरिंग विद यू तो आप है ना इसे ना बर्जर पेंट पे भी ध्यान दो बहुत अच्छा सा शेयर है 698 पे अगर बाय करोगे एंड अगर देखा जाए तो 6 महीने में 25% का गेन है यार। अगर ना देखा जाए बैंक में FD भी अगर करोगे तो ना कितना 6-7% मिलेगा। इस हिसाब से अगर बर्जर पैंट में के अंदर अगर आपको 6 महीने में 25% मिला है तो नॉट बैड यार। इसके अंदर बहुत अच्छी सी ना पॉसिबिलिटीज है कि ना बहुत अच्छा इसके अंदर परसेंटेज गेन हो सकता है। हमारे पास ना दोनों कंपनियां डील हो गई। अब नाउ अभी हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं अगर देखा जाए अगर मार्केट शेयर वाइज अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मार्केट शेयर कैसा है इनका
तो मार्केट शेयर अगर आप है ना अपना फाइनेंशियल ईयर है ना अभी 22 की जो भी है रिपोर्ट चल रही है उस हिसाब से अगर एशियन पेंट अगर देखा जाए तो एशियन पेंट ने कितना है नियर बाय 59% है ना जो मार्केट शेयर है वो एशियन पेंट का है। ओके कितना है एशियन पेंट का 59% है ना फिलहाल मार्केट है ना एशियन पेंट का है। उसके बाद अभी ना अगर देखा जाए तो कोई छोट उसके बाद कोई दूसरी कंपनी है तो फिलहाल बर्जर पेंट है। एक बर्जर पेंट ऐसी कंपनी है जहां पर उसका बहुत अच्छा सा मतलब गेन होने का यहाँ पर चांसेस है। हमने देखो बाकी और ऐसे छोटी मोटी कंसाई एक्सॉल नेवल ऐसा और भी बहुत सारे और देखा जाए तो 1% है उसके अंदर भाई जिसको खेलना है खेलो। लेकिन फिलहाल पूरा मार्केट कौन लेके बैठा है एशियन पेंट लेकर बैठा है एंड बर्जर पेंट लेकर बैठा है। तो यहाँ पर अगर आप अगर पॉइंट अगर नोटिस करोगे तो बहुत अच्छा सा आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने का चांसेस है। तो अगर कहीं पे अगर कोई क्वेरी है तो बिंदास है ना आप है ना आराम से ना पूछिए। अगर कहीं लग रहा है कि आपको नहीं यार मुझे यहाँ पर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। ये मैंने क्रूड ऑयल भी आपके साथ शेयर कर दिया। एशियन पेंट कंपनी हमारी सबसे पहली कंपनी होगी हम लोग को प्रायोरिटी पे खरीदने के लिए। और ऑब्वियस इसके अंदर आप है ना छोटी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए तो अभी भी आपका ना बहुत अच्छा खासा इसके अंदर ना प्रॉफिट है ना बन जाएगा कोई ना बहुत बैड नहीं है। ओके ओके कंपनी बहुत अच्छे से ना आपको ना कंटिन्यूसली यहाँ पर आपका प्रॉफिट बनाकर देगी। सेकंड कंपनी मैंने आपके लिए कहा है बर्जर पेंट ये भी बहुत अच्छा है और मार्केट शेयर्स भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है तो आप है ना एशियन पेंट्स और 18% तो ये रिवाइज भी हो गया। नाउ अगर है ना मैं हरदम ऐसे ना नए नए ना शेयर्स आपके साथ ना शेयर लाते रहता हूँ अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज है ना मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ना ये एक सब्सक्रिप्शन के लिए एक सब्सक्राइब कर देते। ओके तो फिर अगर आप ना चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब और मेरी वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लग रही है तो फिर आप चैनल को भी ना बहुत अच्छे से यार लाइक वाइक करो यार उनका बटन बटन तोड़ डालो मैं तो ये कहूंगा। एंड ना प्लीज है ना शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर किसी पे अगर कोई चाहते हो कि अगर है ना आपको है ना किसी अच्छे से शेयर्स के ऊपर अगर आपकी वीडियो बनाने की इच्छा है कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और अच्छी सी कोई इन्फॉर्मेशन करूं तो डैम श्योर आप है ना यहाँ पर है ना कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने के साथ अगर आप अगर चाहते हो कि यार मुझे थोड़ी पर्सनली मुझे पूछना है तो फिर आप है ना व्हाट्सएप के थ्रू भी है ना अगर है ना चाहो तो फिर है ना आप ये भी चीज कर सकते हो। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में ये नंबर देकर रखा है लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि है ना यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर लिया है और अगर आप चाहते हो कि यार है ना मेरा कोई पोर्टफोलियो है यार उसको है ना बहुत बिगड़ा हुआ है या फिर उसको कोई अच्छा सा रिव्यू कर दो ऑब्वियसली वो भी ना फ्री ऑफ कॉस्ट में ना रिव्यू मैं ना कर दूंगा आपके लिए ना कोई चार्जेस नहीं एकदम मेरा फुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए। और कहीं पे अगर कोई ऐसा लगा है कि कहीं कोई पॉइंट है तो आप है ना बेचे को वहां पर पॉइंट अपने पूछे मैं उसके अंदर जरूर आपको हेल्प करूंगा पूरा सपोर्ट देने के लिए। पूरी चैनल के ऊपर मैं आपको पूरा सपोर्ट देना बन के रहूंगा। तो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद। और अब हम लोग एक नए वीडियोस के लिए आपके लिए लेकर आते रहता हूँ मैं तो तब बने रहिए मेरे साथ। और घंटी वाला आइकन बना ना क्लिक कर देना भाई बोलना नहीं बिकॉज क्योंकि मेरी वीडियो के हरदम अपडेट आपके पास रहेंगे। तो वेल्थ बनाओ ग्रोथ बनाओ। ओके।